नमस्कार दोस्तों, आज फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में, जहां पर हम आपको नई नई जानकारी से अवगत कराते रहते हैं। तो ऐसी ही एक नई जानकारी के साथ हम आपके सामने फिर से प्रस्तुत हुए हैं। तो दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको समय पर प्राप्त होती रहे। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो हम लेकर आए हैं वो लेकर आए हैं हम अपने जो ताज़ा ब्याया हुआ पशु है उसके लिए हम क्या सामग्री दें। जिस तरह से हम दोस्तों अपने घर में जब कोई बच्चा होता है तो जो स्त्री होती है उसके लिए जो हम खाने का सामग्री बनाते हैं, जिसको पात भी बोला जाता है, जो घी, अजवाइन तथा बहुत सारी ऐसी औषधियों के मिश्रण से बनती है, जो उस समय जो स्त्री बच्चे के लिए होती है, बच्चा जनती है, उसके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होती है। तो इसी तरह से गाय को जो है मनुष्य का दूसरा ही रूप कहा गया है, क्योंकि गाय भी गाय और पशुओं से ज़्यादा संवेदनशील होती है और व्यक्ति की तरह से ही इसमें सोचने समझने की शक्तियाँ होती हैं। तो इसकी भी केयर हमें बिल्कुल एक मातृत्व भाव से करनी है और हमें उसमें क्या क्या सामग्री लेनी है। तो दोस्तों, अभी हमारी जो गाय है उसको ब्याह हुए 4 से 5 दिन हुए हैं और हमें एक थोड़ी सी सामग्री हमें उसे देनी है। तो सबसे पहली जो सामग्री है वो है गाय का देसी घी। तो ये दोस्तों आपको एक खुराक बनानी है 200 ग्राम में कम से कम। दूसरी जो सामग्री है वो है अजवाइन, इसको घी में पकाना है अच्छे से। और तीसरी जो सामग्री है वो है आपका चीनी, तो इसको अच्छे से पकाएंगे तो गाय इसको अच्छे से खा लेगी। उसके बाद आप जो है सौंठ जो है वो इसमें डाल सकते हैं और इसको अच्छे से पका लेंगे। पकाने के बाद जब आप देखेंगे तो ये जो है एक औषधि के रूप में तैयार होगी। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें मिश्रण बनाने के बाद हमें जो सामग्री तैयार हुई है वो ये है, इसको मैं दिखा देता हूँ। इसमें घी है, थोड़ा हल्का इसमें पानी है, चीनी है, अजवाइन है, सौंठ है। इसमें अगर डालना चाहे तो आप काली मिर्च दे सकते हैं, अन्यथा इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। और जब ये सामग्री जो है ठंडी हो जाए, उस समय अपना जो पशु है, जो गाय है, जो ताजी ब्याई हुई गाय है, उसके सामने इसको आराम से रख देंगे। तो आप देखेंगे कि जो हमारी जो गाय है वो इस सामग्री को बड़ी आराम से और प्रेम पूर्वक जो है इसको खा लेगी। तो दोस्तों, ये जो चीज़ है, ये जो टॉनिक है, ये एक संपूर्ण टॉनिक है किसी भी जो ताजी ब्याई हुई गाय है उसके लिए। तो आप देख सकते हैं कि गाय कितने आराम से और कितने मज़े के साथ इसका सेवन कर रही है। और इसे देने के बाद ही दोस्तों, ये एक ऐसी सामग्री है, क्योंकि होता क्या है कि जब गाय बच्चा जनती है तो उस समय उसके जो शरीर की जो ऊर्जा है वो बहुत ज़्यादा जो है कम पड़ जाती है शरीर में, जिससे कि उसमें तुरंत स्फूर्ति और ऊर्जा बनाने के लिए हमें इस तरह का जो प्रयोग करना होता है। और इस प्रयोग के करने से कई प्रकार के लाभ हैं। एक तो गाय की जो एनर्जी लेवल है वो बिल्डअप होता है, दूसरा गाय के अंदर जो भी अगर गर्भाशय में कोई समस्या रहती है, अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है ब्याने के समय पे, तो वो समस्या भी इससे जो है समाप्त हो जाती है और गाय जो है जल्दी से ही जो है छटाव, जिसको बोलते हैं, वो करना प्रारंभ कर देती है, जिससे कि दूध की जो क्वांटिटी है उसमें भी वृद्धि होती है। गाय के दूध में वृद्धि होती है और गाय के दूध में फैट की मात्रा बढ़ती है। और दोस्तों, इस तरह की औषधि देने से जो पशु है उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी तीव्र होती है। दोस्तों, ये हम अगर हमारा पशु गाभिन नहीं है तो उसको भी हम कंटिन्यू इसको दे सकते हैं, हफ्ते में 1 या 2 बार, जैसा आपका हिसाब बनता है उस हिसाब से आप अपने पशु के लिए इसे दे सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आज दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें अवश्य बताएं, ताकि इसी तरह की नई नई जानकारियाँ हम आपके लिए लेकर आते रहें। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे की वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।